हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम सिल्क की साड़ी को पहनने के बहुत इजी ट्रिक्स जानेंगे। सो अगर आपको देखना है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें एंड चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले हम साड़ी का पल्लू वाला पार्ट निकाल लेंगे और बाकी साड़ी को हम साइड में रख देंगे, क्योंकि हम इस टाइम इस साड़ी में हम सबसे पहले पल्लू को ही पिनअप करेंगे। तो सबसे पहले पल्लू की हम प्लेट्स बना के उसे हम शोल्डर में पिन कर लेंगे, देन हम बाकी साड़ी पहनेंगे। आई नो ये काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा कि हम सबसे पहले पल्लू को पिन कर रहे हैं, बट अगर हमें सिल्क की साड़ी को परफेक्टली पहनना है तो हमें ऐसे ही स्टार्ट करना होगा पल्लू से, देन हम पूरी साड़ी को पहनेंगे। बहुत ही अच्छी फिट आता है इसका सिल्क की साड़ी का भी, आप अभी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी परफेक्टली ये बैठने वाली है साड़ी। मेरे प्लेट्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, सो अब मैं इसकी लेंथ देख लेती हूँ मुझे कितनी इनकी लेंथ चाहिए है। सो इस साड़ी में ये भी फ़ायदा है कि हम पहले से ही पल्लू की लेंथ डिसाइड करके फिर हम साड़ी पहन सकते हैं। पल्लू की लेंथ सेट करने के बाद हम पल्लू को पिनअप कर लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे की साड़ी पूरी पहनेंगे। अभी पिनअप होने के बाद जो साड़ी का स्टार्टिंग पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे और उसे हम जिस तरीके से मैं इस वीडियो में कर रही हूँ आप वैसे ही करना। एक बार ही मैंने ऐसे करा, पीछे से लेके आई मैं साड़ी को, फिर साड़ी आगे आ गई और उसकी पट्टियाँ बना के एक बार हम आइडिया ले लेंगे कि कितनी पट्टियाँ बनने वाली हैं, ये हम रफ आइडिया ले रहे हैं। उसके बाद जब हम ये पट्टी बना लेंगे फिर जो स्टार्टिंग पार्ट बचेगा उसे हम फिर से पीछे ले जाएंगे एंड फिर हम उसे पट्टियों को छोड़ देंगे और उसे आगे हम फिर से टक कर लेंगे। तो अभी जैसे साड़ी आगे आ गई तो अब हम इसे टक करेंगे यहाँ से, और जैसे वो साड़ी है वो पट्टियों वाला पार्ट उसे हम वैसे ही रखेंगे। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ पे नीचे आप देख रहे हो तो उसे साइड में कर दिया, नहीं वो वैसे ही रहेगी आपके अराउंड। फिर हम इस साड़ी को हम चारों तरफ टक इन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम पट्टियाँ बनाएंगे। वो भी कैसे बनाना है इसमें हम थोड़ा अलग तरीके से पट्टियाँ बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखना और सेफ्टी पिन्स भी आप रखना, क्योंकि इसमें सेफ्टी पिन्स भी काफ़ी लगने वाली हैं। अब जैसे ये टकिन हो गई है सारी, अब मैं पट्टियाँ बनाऊंगी इनकी, आप भी साथ ही साथ पट्टियाँ बनाते जाना तो ईजिली आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे जैसे मैं साड़ी पहन रही वैसे भी आप भी बनाओगे तो ईजिली बन जाएगा, वरना मे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए। तो जैसे कि अभी पट्टियाँ बन गई हैं तो अब इन्हें मैं टक कर लूँगी बड़े आराम से। इसमें सिल्क की साड़ियाँ में पट्टी बन जाती हैं तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब पट्टियाँ बनने के बाद इसमें हम सेफ्टी पिन भी लगा लेंगे। सेफ्टी पिन लगाने से पहले हम एक पट्टी को निकाल के वहाँ पे एक हम गैप दे देंगे, लूज़ कर देंगे, क्योंकि हम जब हम साड़ी को फाइनल फिनिश देंगे तो वहाँ से हम टाइट करने वाले हैं। तो अभी आप देखना इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पल्लू को हम निकाल लेंगे, जैसे हमको पल्लू की प्लेट्स रखनी है, सारा कुछ रखना है, उस हिसाब से हम उसे टाइट करके फिर हम जो हमने प्लेट निकाली थी उसे हम आगे कर लेंगे। बाकी अभी हम इसमें सेफ्टी पिन लगा लेते हैं अपनी प्लेट्स को फाइनल फिनिश देने के लिए। सेफ्टी पिन आप ध्यान से लगाना, क्योंकि अभी हम इसे निकालने वाले हैं तो ऐसे लगाना कि प्लेट्स हमारी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल भी ख़राब ना हो, और उसे हम एक मिनट को साइड में कर लेंगे, फिर हम अपनी साड़ी को पूरा फिट करने वाले हैं। तो ऐसे हम पल्लू को टाइट करते हुए आगे हम इसे लेके आ जाएंगे, उस प्लेट को जितना भी हमें रखना है, जैसे भी हमें उसे शेप देना है साड़ी को वैसे हम करने वाले, और एक सेफ्टी पिन हाथ में रख ले। और इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप देखो कैसे कर रहे हैं इसे, और इसे अपने अकॉर्डिंग हम इसे फिट कर लेंगे साड़ी को और वहाँ पर पिन कर लेंगे। अब जो प्लेट्स हमने साइड में लगाई थी अब उन्हें हम वैसे ही मिड में लगा लेंगे जैसे वो पहले हमने लगाई थी उसके ऊपर, तो साड़ी का बिल्कुल परफेक्ट शेप आ जाएगा। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, पूरी परफेक्ट फिट हो चुकी है साड़ी, और जैसे कि पल्लू भी अब पूरा परफेक्ट फिट हो चुका है। हमने पिन पहले ही कर लिया था, लेंथ में भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लेंथ भी हमें जितनी चाहिए थी उतनी प्रॉपर है एंड साड़ी भी बिल्कुल फिट हो चुकी है। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें।